इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का मैच नंबर 6 जो कि कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच डी वाई पाटिल स्टेडियम को शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। जिस तरीके से आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस का एक बड़ा मैच देखने को मिलता है हाई वोल्टेज, उसी तरीके से दोस्तों ये मैच भी आपको काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बताएंगे इस वीडियो में प्लेयर्स की क्या स्टैट्स है, पिच की क्या कंडीशन है, कौन से वो प्लेयर है जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, साथ में बताएंगे आपको किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीम न्यूज के बारे में। टीम न्यूज की बात करें तो केकेआर की तरफ से टिम साउदी इस मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी रही बात आरसीबी की तो लगभग अपने सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकती है। आइए एक नजर डालते हैं दोनों ही टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 पर। यहाँ पे केकेआर की बात करें तो वेंकटेश अय्यर के साथ में अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, सैम बिलिंग्स, रसल, जैक्सन, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, उमेश यादव और शिवम मावी, ये केकेआर की प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है। वहीं बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तो अनुज रावत के साथ फाफ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, रदरफोर्ड, शहबाज अहमद, हसरंगा, डेविड विली, हर्षल पटेल, आकाश दीप और मोहम्मद सिराज, ये इनकी प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है। दोनों ही टीमें आमने सामने 30 बार रही है। इन 30 मैचेस में से केकेआर ने 17 मैच विन किए हैं और वहीं आरसीबी ने 13 मैच विन की है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो केकेआर आगे है हेड टू हेड मैचेस में। वहीं फर्स्ट बैट ने 10 मैच विन किए, सेकंड बैट ने 20 मैच विन किए, यानी सेकंड बैट के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लास्ट 5 मैचेस की बात करी जाए तो आरसीबी ने लीड ले रखी है यहाँ पे 3-2 से। ओवरऑल बात करें तो केकेआर आगे है, लेकिन लास्ट के 5 मैचेस की बात करी जाए तो यहाँ पे आरसीबी ने लीड ले रखी है। वहीं बात करते जहां पर ये मैच खेला जाएगा वहां पर T20 डोमेस्टिक 8 मैचेस खेले गए हैं। इन 8 मैचेस में से बैटिंग फर्स्ट ने मात्र 1 मैच जीता है और वहीं बैटिंग सेकंड ने 7 मैच जीते हैं, यानी सेकंड बैट के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर देखा जाए लास्ट के मैचेस को उनके हिसाब से। वहीं बात करते हैं यहाँ का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट बैट का 143 है। यहाँ का जो हाईएस्ट स्कोर है इसी सीजन बना है पंजाब का 208 रन 5 विकेट के नुकसान पे। वहीं यहाँ का जो लोवेस्ट स्कोर है डेकन का है 82 पे ऑल आउट हो चुकी है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें बिलो स्कोर 150 5 टाइम, 152 169 1 टाइम, 172 189 1 टाइम और अबव स्कोर 190 1 टाइम। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट की बात करिए तो डी वाई पाटिल स्टेडियम हमेशा से बॉलर्स के लिए अच्छा रहा है। यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है। स्टार्टिंग के जो 6 ओवर होते हैं उसमें फास्ट बॉलर ज्यादा विकेट निकालते हुए नजर आते हैं। वहीं जो भी टीम चेस करती है लास्ट के स्टैट्स अगर देखा जाए तो 90% वो मैचेस जीतती है। वहीं बात करते हैं यहाँ के जो आउटफील्ड है वो काफी फास्ट है लेकिन बाउंड्रीज काफी ज्यादा बड़ी है, तो लगभग आपको एक मीडियम स्कोर देखने को मिल जाता है 150 के आसपास का। वहीं बात करते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले आरसीबी की बात करते हैं। अनुज रावत जिन्होंने 1 मैच खेला है केकेआर के अगेंस्ट और 1 भी रन स्कोर नहीं कर पाए थे, इस वेन्यू पर मात्र 1 मैच खेला है और 21 रन स्कोर किया है। फाफ की बात करें तो अगेंस्ट केकेआर के 43 का इनका एवरेज है 13 मैचेस में, 428 रन स्कोर किया और लास्ट मैच में बहुत अच्छी नॉक खेली थी, बैक टू बैक 6 मारे थे। वहीं बात करते हैं इस वेन्यू पर 88 का एवरेज है, 1 मैच खेला है और 88 रन स्कोर किया है। विराट कोहली का केकेआर के अगेंस्ट 37 का एवरेज है और इस वेन्यू पर 50 का एवरेज है, 2 मैचेस में 50 रन स्कोर किया है। वहीं दिनेश कार्तिक की बात करी जाए तो अगेंस्ट केकेआर 29.3 का इनका एवरेज है, 14 मैचेस में 352 रन स्कोर किया है और इस वेन्यू पर 3 मैचेस में 60 रन स्कोर किया है। वहीं बात करते हैं हसरंगा की, 1 मैच खेला है केकेआर के अगेंस्ट, विकेट नहीं निकाल पाए थे और इस वेन्यू पर 1 मैच खेला है और 1 विकेट निकाल कर दिया था। वहीं हर्षल पटेल की बात करी जाए अगेंस्ट केकेआर 9 मैचेस में 10 विकेट निकाले और मोहम्मद सिराज ने 9 मैचेस में 10 विकेट निकाले हैं। वहीं केकेआर के प्लेयर्स की बात करिए तो 2 मैच खेले हैं वेंकटेश अय्यर ने जिसमें 67 रन स्कोर किया है 67 के एवरेज से। वहीं बात करते हैं अजिंक्य रहाणे जिनका 37.6 का एवरेज है 19 मैचेस में और 639 रन स्कोर किया है आरसीबी के अगेंस्ट, काफी अच्छा एवरेज है। श्रेयस अय्यर की बात करिए तो 26.5 का एवरेज है। नीतीश राणा 29.8 का एवरेज है 11 मैचेस में। वहीं रसल की बात करिए तो 370 रन स्कोर किया है 11 मैचेस में और साथ में ही यहाँ पे 10 विकेट भी निकाले हैं इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट। सैम बिलिंग्स की बात करी जाए तो 3 मैचेस में 38 रन स्कोर किया है 12.7 के एवरेज से। बॉलिंग अटैक की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने 5 मैच खेले हैं आरसीबी के अगेंस्ट और 5 विकेट निकाले हैं, उमेश यादव जिन्होंने 12 मैचेस में 10 विकेट निकाले हैं, शिवम मावी जिन्होंने 2 मैच खेले हैं आरसीबी के अगेंस्ट लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिली। तो ये तो बात हो गई प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में दोनों ही टीमों के। अब बात करते हैं हेड टू हेड बैटल के बारे में, बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स के।
तो श्रेयस अय्यर वर्सेस मोहम्मद सिराज की बात करी जाए, 27 बॉलों पे 26 रन स्कोर किया है, दो बार आउट रहे हैं। श्रेयस अय्यर वर्सेस हर्षल की बात करें तो 9 बॉलों पे 7 रन स्कोर किया है, दो बार आउट रहे हैं। नीतीश राणा वर्सेस हर्षल की बात करें तो 18 बॉलों पे 23 रन स्कोर किया है, दो बार आउट रहे हैं। रसल वर्सेस डेविड विली की बात करें तो 9 बॉलों पे 15 रन स्कोर तो किया है लेकिन दो बार आउट भी रहे हैं, यानी यहां पर बॉलर्स ने अपनी बैटल को जीता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी बैटल की, विराट कोहली वर्सेस उमेश यादव, जिन्होंने 81 बॉलें फेस करी है उमेश यादव की और 141 रन स्कोर किया है, दो बार आउट रहे हैं। यानी विराट कोहली काफी अच्छा खेलती है, उमेश यादव को एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। विराट कोहली वर्सेस सुनील नारायण की बात करें तो 98 बॉलों पे 101 रन स्कोर किया है, तीन बार आउट रहे हैं। फाफ वर्सेस नारायण की बात करें तो 63 बॉलों पे 45 रन स्कोर किया है और दो बार आउट रहे हैं। दिनेश कार्तिक वर्सेस उमेश यादव की बात करें तो 32 बॉलों पे 60 रन स्कोर किया है, मात्र एक बार आउट रहे हैं। अब बात करते हैं मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए प्लेइंग 11 कौन सी अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों विकेट कीपर में दिनेश कार्तिक और सैम बिलिंग्स आपके पास सबसे अच्छी चॉइस है, मैं कहूंगा आप दोनों के साथ जाइएगा। बैट्समैन में बात करें तो फाफ, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, ऑलराउंडर में वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, रसल और हसरंगा। वहीं बॉलिंग अटैक की बात करें तो मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल, ये टीम आपके लिए प्लेइंग 11 के लिए सबसे अच्छी साबित हो सकती है स्मॉल लीग के लिए। तो अगर आप स्मॉल लीग ज्वाइन कर रहे हो तो इस टीम को जरूर पिक करिएगा। वहीं बात करते हैं विनिंग परसेंटेज की, आंकड़ों के बेसिस पे देखा जाए तो दोनों ही टीमें यहाँ पे इक्वल पोजिशन पे खड़ी है, तो ये कहना काफी मुश्किल होगा कि कौन सी टीम जीत सकती है कौन सी टीम हार सकती है। दोनों ही टीमों के जीतने के चांसेस 50-50% है। हालांकि टॉस केकेआर जीत सकता है, जो भी टीम फर्स्ट बैट करेगी 174 के आसपास को करते हुए नजर आ सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी आज, आप बताइए। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो जैसा मैंने बताया सेम वैसा ही देखने को मिला आपको मैचेस में, तो अब ये आपको बताना है कि किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है आज।